अगला प्रश्न है, एस्काई कोड का पूरा नाम, एस्काई कोड क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। होता क्या है एस्काई कोड? हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं कोई भी नाम, कोई भी अक्षर, कोई भी सिंबल, तो सिंबल के लिए, उस अक्षर के लिए कंप्यूटर के अंदर एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर को कंप्यूटर कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके समझता है कि आपने ए टाइप किया है कि बी टाइप किया है, क्या टाइप किया है। तो नंबर जो होता है, नंबर को डेसिमल नंबर कहा जाता है, यानी कि वो नंबर एस्काई कोड नंबर होता है। तो कंप्यूटर में प्रत्येक चिन्ह या अक्षर का एक डेसिमल नंबर होता है जिसे कंप्यूटर बाइनरी भाषा में बदलता है। इस डेसिमल नंबर को ही एस्काई कोड कहा जाता है और इसका पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ठीक है ना? कंप्यूटर नहीं जानता एबीसीडी, कंप्यूटर नहीं जानता कोई सिंबल, कंप्यूटर नहीं जानता कोई नंबर, वो समझता है किप 01। तो हमने अपनी समझ के लिए, अपनी जानकारी के लिए हर अक्षर का, हर सिंबल का एक नंबर बना दिया, उस नंबर को कंप्यूटर कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके समझता है कि आपने क्या टाइप किया है। तो उस नंबर को हम डेसिमल नंबर कहते हैं। इसमें से कोई ना क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है सीबीसीडी में। हम कंप्यूटर पर जो कुछ भी लिखते हैं वो एस्काई कोड में ही लिखा होता है। प्रत्येक कंप्यूटर उपयोगकर्ता अंकों, अक्षर और संकेतों के लिए बाइनरी सिस्टम पर आधारित कोड का निर्माण करके कंप्यूटर को प्रचालित करता है, लेकिन उसके कोड केवल उसी के द्वारा प्रोग्रामों और आदेशों के लिए लागू होंगे। हम जो कोड टाइप करेंगे उस कोड को सिर्फ एक अक्षर के लिए ही लागू किया जाएगा, किसी और के लिए लागू नहीं किया जाएगा। इससे कंप्यूटर के उपयोगकर्ता परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वे एक दूसरे के द्वारा इस्तेमाल किए हुए कोड के संकेत से परिचित ना हो। यानी कि अगर अपन कंप्यूटर में कोई टाइपिंग कर रहे हैं और वो कोड को कंप्यूटर समझता नहीं है, तो कंप्यूटर उस कोड को समझेगा नहीं, तो आपके उस अक्षर को टाइप भी नहीं करेगा, उसे इनपुट भी नहीं करेगा। तो आप जो भी टाइप करते हैं वो कोड कंप्यूटर के समझ में आने चाहिए और हमको भी पता होना चाहिए वो उसका मतलब क्या है। सूचनाओं के आदान प्रदान की सूचना के लिए अमेरिका में एक मानक कोड तैयार किया गया जिसे अब पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है, चाहे वो कंप्यूटर अमेरिका में बनाया जाए, चाहे चीन में, चाहे इंडिया में, कहीं भी बनाया जाए, इस कोड के आधार पर ही इसमें कोडिंग की जाएगी। वो कोड होता है, इसी को हम एस्काई कोड के नाम से जानते हैं। इसमें प्रत्येक अंक, अक्षर व संकेत जो होते हैं वो 8 बिटों से मिलकर बना होता है। कितने होते हैं उसमें? 8 बिट होते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो एक अक्षर होता है कितनी मेमोरी गिरता है? वो 8 बिट, यानी कि 1 बाइट। कितनी मेमोरी गिरता है? वो 1 बाइट, 8 बिट मेमोरी गिरता है। तो एस्काई कोड जो होगा वो भी अपने आप में एक अक्षर है, एक नंबर है, तो वो भी कितनी मेमोरी गिरेगा? 8 बिट गिरेगा। फिर कहा गया है कि इसमें प्रत्येक अंक व अक्षर जो होते हैं वो 8 बिटों के द्वारा को मेमोरी में दर्शाता है। इन 8 स्थानों में क्या होते हैं? केवल 01 01 01। इन दोनों अंकों के अलावा कोई और अंक नहीं होता, 2 3 4 5 इसमें नहीं होते, केवल 0 1 ही होते हैं और 8 बार होंगे। एक नंबर के लिए 8 अंक रिजर्व किए जाएंगे। अब चाहे 8 0 हो, चाहे 8 1 हो, चंद के कुल मिला के 8 हो, 8 ही होंगे वो। अब बिट क्या होता है? बिट मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बिट का पूरा नाम भी कह सकते हैं इसे अपन, बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। अगर पेपर में आए कि कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी कौन सी, तो बताएंगे अपन बिट। यह स्मृति यानी कि मेमोरी में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को दिखाया जाता है। बिट मतलब 0 या 1। यह बाइनरी डिजिट का छोटा सा रूप है। कौन? बिट। बाइट क्या होता है? यह मेमोरी की मानक इकाई है, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी नापी जाती है, मोस्टली बाइट में नापी जाती है। अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई कौन सी है, तो हम बताएंगे बाइट, ना कि बिट।
सबसे छोटी बिट होती है लेकिन स्टैंडर्ड इकाई बाइट होती है। तो मानक इकाई है, कंप्यूटर की मेमोरी में कीबोर्ड से दबाया गया अक्षर, अंक या कोई चिन्ह जो होगा, कोई सिंबल डॉलर वगैरह का चिन्ह है, स्टार का चिन्ह है, कॉमा का चिन्ह है, तो वो चिन्ह ASCII कोड में ही संचित होते हैं। और प्रत्येक ASCII कोड जो होता है, एक कोड 8 बाइट का होता है, कितना होता है 8 बाइट का होता है। इस प्रकार किसी भी अक्षर को 8 बिट करो, से 8 बिट का होता है। आप लोग अपने नोट्स में सही कर लेना, बिट। प्रत्येक ASCII कोड कितना होता है, एक कोड जो होगा 8 बिट का, मतलब 1 बाइट, 8 बिट मतलब 1 बाइट का होगा। इस प्रकार किसी भी अक्षर को मेमोरी में संचित करने के लिए कुल 8 बिट मिलकर के 1 बाइट बनाती हैं। यानी कि अपन कंप्यूटर में टाइप करेंगे, वो एक अक्षर एक ASCII कोड होगा और एक ASCII कोड 1 बाइट मेमोरी गिरेगा, 1 बाइट मतलब 8 बिट गिरेगा। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से 8 बिट मिलकर के 1 बाइट मेमोरी घेरते हैं। हम बताएंगे अगर पेपर में पूछा गया कि ASCII कोड की कितनी मेमोरी होती है, एक ASCII कोड की घिरता है वो, तो हम बताएंगे 1 बाइट या 8 बिट, दोनों सही है। संख्याओं के अलावा वे संकेत है जो भाषा और अर्थ बताने के काम आते हैं, उदाहरण के लिए ये ABCD संख्या तो होती है कंप्यूटर में, 01 है ना, ASCII कोड भी हो गया, नंबर ही होगा कोई ना कोई। जैसे कि कंप्यूटर में क्या होता है, 97 मतलब होता है स्मॉल ए, आप टाइपिंग कर रहे हैं स्मॉल ए बनाया तो कंप्यूटर के लिए 97 है, और 97 को आप भाग करके जो बनाओगे कोड निकालोगे बाइनरी कोड, क्या निकल के आएगा, ए का मान निकल के आएगा, बताऊंगा मैं कन्वर्ट करके आगे सिखाऊंगा। तो संख्याओं के अलावा वह संकेत हैं जो भाषा का या अर्थ बताने के काम आते हैं, कौन कौन से होते हैं, अक्षर होते हैं सारे ABCD स्मॉल और कैपिटल, और कुछ सिंबल और कुछ नंबर और कुछ क्वेश्चन वगैरह भी होते हैं। ASCII में कुल मिलाकर के 256 कोड होते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि ASCII कोड कितने होते हैं, 256 होते हैं। मानक जो होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, पहले होते थे पहले, ये मानक ASCII कोड होते हैं 0 से 127 तक। कितने होते हैं 0 से, कुल कितने हो गए 128। मानक ASCII कोड का मान जो होता है 0 से कितना होता है, 127 होता है, जबकि 128 से लेकर के 256 तक के कैरेक्टर को एक्सटेंडेड किया गया है, जोड़ा गया है। तो मानक 127 तक हो गए, कुल मिला के कितने हो गए 128, 0 से मिला के 127 है ना, कुल 128 हो गए, जबकि 128 से लेकर के 256 तक के कैरेक्टर को एक्सटेंड किया गया है, बाद में इनको बढ़ाया गया है। तो अगर पेपर 256 नहीं दिया, वहां दिया है कि ASCII कोड में कितने अक्षर होते हैं, वहां लिखा है 128, तो गलत नहीं होगा, वो भी सही है, पर 128 कब लगाएंगे जब 256 दिया नहीं हो तब। कंप्यूटर सिस्टम सामान्य करेक्टर को संचित करने के लिए ASCII कोड का प्रयोग करता है। प्रत्येक करेक्टर 8 बिट का, बराबर बात की जा रही है, प्रत्येक करेक्टर कितना गिरता है 8 बिट। अब कंप्यूटर में एक अक्षर कितनी गिरेगा 8 बिट, एक ASCII कोड कितनी गिरेगा 8 बिट, एक स्पेस कितनी गिरेगा 8 बिट, स्पेस भी अक्षर होता है अपने आप में, वो भी 8 बिट गिरेगा, 1 बाइट हो या 8 बाइट हो। नोट, BCD का पूरा नाम क्या होता है, बाइनरी कोड डेसिमल। जब अपन इन डेसिमल नंबर को ASCII कोड को बाइनरी में चेंज कर लेते हैं और जो नंबर निकल के आता है बाइनरी नंबर, उसको बोलते हैं अपन बाइनरी कोड डेसिमल। जब अपन किसी भी ASCII कोड को क्या चेंज करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, बाइनरी नंबर निकाल लेंगे, तो उस नंबर को बोला जाएगा BCD कोड, बाइनरी कोड डेसिमल।